नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूं डस्टबिन के बारे में। डस्टबिन जो है, मैंने पहले भी डस्टबिन का एक वीडियो बनाया है कि डस्टबिन कहां पर रखनी चाहिए, लेकिन दोस्तों घर में एक ऐसी जगह है जहां पर डस्टबिन नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मुख्य दिशाएं देखते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, यानी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये घर की मुख्य दिशाएं हैं। अभी हम जानते हैं कि ईस्ट यानी कि मान, सम्मान, प्रगति, ये सभी चीजें यहाँ पर रहती है। वेस्ट यानी कि वेस्ट और साउथ, ये जो है आपकी स्टेबिलिटी, आपका पैसा, इन चीजों के रिलेटेड होते हैं। नॉर्थ कुबेर भगवान की दिशा होती है। अभी इन सबसे इम्पोर्टेंट जो है नॉर्थ, इसलिए हम ज्यादा इम्पोर्टेंट अभी के लिए मानेंगे कि नॉर्थ में डस्टबिन नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए और रखना है तो उसको कैसे रखें। दोस्तों, नॉर्थ आपको आपके लाइफ में पैसा देता है, मनी, मनी रिलेटेड अगर कुछ है तो कुबेर भगवान, हमको मालूम है कुबेर भगवान अगर उनकी भक्ति करते हैं, लक्ष्मी माता की भक्ति करते हैं, तो पैसे के प्रॉब्लम में हमें राहत मिलती है। तो नॉर्थ जो है, यहाँ पर कभी भी आपको कूड़ादान नहीं रखना है, कचरा पेटी नहीं रखना है। अगर आप यहाँ पर कचरा पेटी रखते हो तो पहले तो आपको पैसे के प्रॉब्लम तो आएंगे ही, लेकिन सेकेंड प्रॉब्लम ये रहेगा कि आपको अपॉर्चुनिटीज यानी कि आप अगर स्टूडेंट हो तो आपको आपका जो मन चाह कोर्स है, जहां पर आपको नंबर लगना चाहिए, आपके समझो मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग, जहां पे भी, तो अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, फिर भी बोल नहीं सकते कैसा रहेगा अपॉर्चुनिटीज। या फिर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो भी उसमें प्रॉब्लम आ सकता है अगर नॉर्थ में आप डस्टबिन रखते हो। नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पर किधर भी डस्टबिन नहीं रखना है। अगर है तो उसको हटा दीजिए, अगर हटाना पॉसिबल नहीं है तो उसको हम क्लोज करके रख सकते हैं, या फिर वो जो दिशाएं हैं उनके रिस्पेक्टिव कलर्स, उसके हिसाब से हम डस्टबिन वहां पर रख सकते हैं जो कि थोड़ा एनर्जी इनहांस करेगी, पॉजिटिव एनर्जी। लेकिन अगर वहां पे डस्टबिन है तो दोस्तों सबसे पहली रेमेडी ये है कि आप उसको हटा दीजिए, या फिर उसको इतना साफ रखिए, जब भी आप डेली कचरा फेंक देते हो तो उसको धोकर ही वहां पर रखना है। वहां पर छोटे छोटे कीड़े वगैरह नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत बात है। आपके करियर में बहुत रुकावटें ला सकती है, आपको फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी ये चीजें देगी, तो इसी आपको ध्यान में रखना है। नॉर्थ पे डस्टबिन आपको नहीं रखना है, अगर रखते हो तो फिर आप उसको प्रॉपरली रखना है, जहां पर आप उसको साफ सुथरा या वो दिशा के कलर के हिसाब से ही आपको वहां पर रखना है। अभी डस्टबिन रखे कहां पर, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद लोग बोलेंगे यार यहाँ पे नहीं रखना है, देन कहां पे प्लेस कर सकते हैं। तो नॉर्थ में नहीं रखना है, नॉर्थ ईस्ट में भी नहीं रखना है, आप रख सकते हो नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि ये घर के बाहर जाने वाली चीज है डस्टबिन जो है, मतलब कूड़ा कचरा जो भी है, तो नॉर्थ वेस्ट इज द राइट डायरेक्शन टू कीप योर डस्टबिन। अभी नॉर्थ वेस्ट भी रख सकते हो, जो कि यहाँ से हम कह सकते हैं ये रीजन चालू होगा, तो नॉर्थ वेस्ट से आप डस्टबिन रख सकते हो, वेस्ट में भी यहाँ तक आप डस्टबिन रख सकते हो। तो ये जगह है जहां पर आप डस्टबिन रख सकते हो। इसके अलावा आप कहीं पर भी डस्टबिन रख रहे हो, समझिए आपके घर में एक ही ओपन रीजन है नॉर्थ वेस्ट में, आपको किचन यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ कचरा डालने में बहुत दिक्कत होती है। ऑब्वियस है कि लेडीज को हमेशा यहाँ से यहाँ पे आना, किचन में कुछ भी हुआ यहाँ पे कचरा डाल के फिर जाना, ये रूटीन में थोड़ा हार्ड रहता है, तो उसको क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप छोटा सा एक डस्टबिन या कुछ बर्तन ऐसा रखिए जिसमें आप जब भी खाना पका रहे हो तो उसमें सब चीजें डालिए, और जैसे ही आपका काम खत्म हो जाएगा वो जाकर एक ही बार आप उस मेन डस्टबिन में डाल दीजिए। ये एक ऑप्शन है जो आप कर सकते हो। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कचरा जो है वो बहुत निगेटिव एनर्जी क्रिएट करता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज दोस्तों, आपको डस्टबिन नहीं रखना है, नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में नहीं रखना है, रखना ही नहीं है। अगर बाकी दिशाओं में है तो वो टेम्पररी रखिए, बाद में पूरा कचरा मेन डस्टबिन में जाकर आप डाल दीजिए।
दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को, इस इन्फॉर्मेशन को आपके दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।